स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पाठ 7 खाना खजाना, जो एक चित्र पाठ है, उसका अभ्यास करेंगे। अब चित्र पाठ सुनकर कई बच्चों के दिमाग में आया होगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे, चित्र में से उसके आंसर ढूंढकर जवाब लिख देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। कभी आपने सोचा है कि अभ्यास में चित्र पाठ क्यों रखते हैं? चित्र पाठ इसलिए रखते हैं क्योंकि आपकी जो अवलोकन करने की क्षमता है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन स्किल कहते हैं, उसे बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर कोई बच्चे के सामने सिर्फ एक चित्र रख दे और कहे कि चलो इसके बारे में बताओ, तो कोई बच्चा सिर्फ एक या दो लाइन बोल पाएगा। उसी चित्र को दूसरे बच्चे को हम दिखाएंगे और कहेंगे चलो इसमें से देखकर बोलो, तो वो 4-5 लाइन बोल पाएगा। अब उसी चित्र को एक तीसरे लड़के को हम दिखाते हैं और बोलते हैं कि चलो इसके बारे में बोलो, तो वो बच्चा पूरा निबंध 10-15-20 लाइन बोलता ही जाएगा। अब ये एक ही चित्र को लेकर हमने 3 बच्चों के रिजल्ट सुने। तो चित्र पाठ या फिर कोई भी वस्तु या फिर कोई भी इंसान को हम कितना अवलोकन कर सकते हैं, वो क्षमता को, वो कुशलता को बढ़ाने के लिए, जिसे ऑब्जर्वेशन स्किल भी कहते हैं, उसके लिए चित्र पाठ रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन स्किल के बारे में सीखते हैं कि किसी चित्र को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे अवलोकन कर सकते हैं। आ एक चित्र छे जे જોઈને તમારે મને કહેવાનું છે કે આમાં તમને શું દેખાય છે। અમુક બાળકો તો એવું કહેશે કે ટીચર આ શું, આ ગમે તે કંઈ જ નથી, આમાં તો આડી અવળી ગમે તે લાઈનો દોરી દીધી છે, આમાં કંઈ સમજ પડતી નથી, બરાબર ને। પણ હવે હું કહું કે તમે જુઓ જોઈએ, તમને કંઈ ચશ્મા જેવી આકૃતિ દેખાય છે તેમાં? દેખા ના, સબકો ચશ્મા નજર આયા ના ઇસમે? કિસી કિસી કો તો स्वच्छ भारत वाले गांधी जी के चश्मे भी याद आ गए होंगे। अब क्या किसी को छोटा सा घर जो बच्चे चित्र में बनाते हैं ऐसा नजर आता है? अरे वाह, इसमें तो घर भी है। हवे जुओ जोइए, जियोमेट्रिक जो गणित की आकृति होय छे, गोल, चौरस, लंबचौरस, ये देखाय छे तमने आमा? हाँ, गोल तो देखाय छे, अने जुओ त्रिकोण पण छे। अरे आमा तो चौरस पण छे। मात्र आ त्रण आकारो ज नहीं, परंतु तमे जो ध्यान थी जोशो आ चित्र ने, तो तमने आ त्रण सिवायना घणा बधा आकारो तेमां जोवा मळशे। हवे मने कहो जोईए कि आमां तमने नंबर्स देखाय छे? 0, 1, 2, 3 आवा नंबर जोवो जोईए। देखाया नंबर? 2 देखाय छे क्यांय? देखाया ने। अने 4 नंबर देखाय छे? દેખાય છે, બરાબર। કોઈકને 6 દેખાયા હશે તો કોઈકને 9 દેખાયા હશે, અને સરખી રીતે તમે જોશો ને તો તમને 0 લઈને 9 સુધીના બધા જ નંબર દેખાશે। હવે જુઓ જોઈએ, તમને ABCD એટલે કે આલ્ફાબેટમાંથી એક આલ્ફાબેટ દેખાય છે? કોઈકને C દેખાયો હશે તો કોઈકને D દેખાયો હશે, કોઈકને A દેખાયો હશે તો કોઈકને B દેખાયો હશે, અને એમ જોતા જોતા તમને ખબર પડશે કે આમાં તો A થી Z સુધીના બધા જ આલ્ફાબેટ છે। તો જોયું ને બાળકો, થોડી વાર પહેલાં જે ચિત્રમાં તમને માત્ર આડી ને અવળી લાઈનો જ દેખાતી હતી, એની અંદર તો કેટલું બધું આપેલું છે, અને જો તમે એક એક વસ્તુને બોલતા જશો તો કેટલી બધી લાઈનો તમે આના વિશે બોલી શકશો। देखा बच्चों आपने, हम सिर्फ एक चित्र में से कितना सब देख सकते हैं, जिसे हम पहले देखकर ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ नहीं है, फिर उसे हम देखते ही जाते, समझते जाते हैं, तो उसमें तो कितना कुछ होता है। तो चलिए हम खाना खजाना वाला चित्र देखते हैं, अब तो आप उसमें से बहुत कुछ देख पाओगे। चलिए अब ये पाठ वाला चित्र देखिए और बताइए कि ये किसका चित्र है? घर का है, हॉल का है, मेन रूम का है, लिविंग रूम का है, ड्राइंग रूम का है, या फिर रसोई घर है? देख के बताइए। और
देखिए कि रसोई कौन बना रहा है, दादी, दीदी या फिर मम्मी। चित्र में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है और वो चीजें कहाँ पर रखी हुई है, छोटी चीजें कितनी है, बड़ी चीजें कितनी है, ये सब आपको देखना है। अगर यहाँ पर रसोई बन रही है तो फिर रसोई में क्या है, मम्मी क्या खाना बना रही है, कुकर में जो खाना पक रहा है वो क्या हो सकता है, साग हो सके, खिचड़ी हो सके के पछी बीजू कहीं हो सके। विचारो जो ये पेलू नानो बाड़क जे जम्मा बैठो छे तेनी थाड़ी में तमने शू देखाय छे, शू शू छे तेना ग्लास में शू हसे, छास हसे के पानी हसे, विचारो जो ये। और पानी का मटका दिखाई दे रहा है आपको, वो किस चीज़ का बना होगा, मिट्टी का। आपके घर में भी है मिट्टी का घड़ा, आप भी इसे ऐसे नीचे रखते हैं तो फिर कहाँ रखते हैं, सब आपको सोचना है। और ऊपर टोकरी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फल है या फिर सब्जियां है या फिर दोनों है। अगर फल है तो फिर कौन कौन से फल है, और अगर सब्जियां है तो कौन कौन सी सब्जियां है। और भी कोई दिखाई दे रहा है आपको जो कुछ पढ़ रहा है, दिख रहा है ना, वो कौन हो सकता है, दादी माँ हो सकते हैं या फिर नानी माँ हो सकते हैं। अच्छा फिर वो क्या पढ़ रहे होंगे, सोच सकते हैं आप, अनुमान तो लगा ही सकते हैं, तो फिर बताइएगा कि वो क्या पढ़ रहे होंगे। और वो जो दीवार में अलमारी जैसा है उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसमें आपको कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो वो डिब्बों में क्या हो सकता है, अचार, तेल, दाल, मिर्च मसाले और क्या क्या हो सकता है। आपके घर में भी ऐसे डिब्बे होंगे है ना, तो आप आज रसोई घर में जाकर देखना कि वो डिब्बों में क्या क्या है। फिर ये चित्र में भी देखना कि ये चित्र में है वो आपके घर में है कि नहीं, जो आपके घर में है वो चित्र में है कि नहीं है। कोने में एक बड़ा सा डब्बा है, वो डब्बे में क्या हो सकता है, उसी कोने में ऊपर और दो तीन बड़े बड़े डब्बे हैं, तो वैसे डब्बों में क्या होता है, सोचिए आप रसोई घर में वैसे डब्बों में आप क्या रखते हैं, आपकी मम्मी को भी पूछिए। अच्छा अब और रसोई घर में आपको खिड़की भी दिख रही है ना, उस खिड़की के बाहर देखिए क्या दिख रहा है आपको, बादल दिख रहे हैं, बादल है तो फिर हम टाइम का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कब दिखते हैं बादल, सोचिए कौन सी ऋतु होगी। और हाँ इसमें तो आप रंगों को भी देख सकते हैं, जैसे कि उस बच्चे ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी है, क्या आपके पास भी है पीले रंग की टी शर्ट, और माता ने कौन से रंग की साड़ी पहनी है, वो जो मटका है वो किस कलर का है, ऐसे ही सारी चीज़ें जो पड़ी है उसमें आपको कलर का भी अवलोकन करना है। अच्छा बाड़को शू आ घर में त्रण ज रहता हसे, नहीं ने हजी पण कोई हसे जे आ रसोई घर में आपने देखात नहीं, कोण हसे, पप्पा हसे, दादाजी हसे, नानो भाई के मोटो भाई के पछी नानी बहन के मोटी बहन होई सके छे, विचारो जो ये कितना सभ्य हसे घर मा। तो बच्चों इस चित्र को आप अपनी तरह से ज्यादा अवलोकन करना। अगले वीडियो में हम इस चित्र में से अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न सॉल्व करेंगे, त्यां सुधी आओ जो।